अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू टॉपिक एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो है ना, हम एनाटॉमी को डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हिप बोन्स। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि जितने भी अपेंडिकुलर स्केलेटन के बोन्स थे ना, वही वाला लेक्चर है, लेकिन हमने सेपरेटली इसको बनाया है क्योंकि आपको फिर आसानी होती है कि एक एक टॉपिक को हम सेपरेटली डिस्कस करें। क्लियर है? तो आज का जो टॉपिक है वो है हिप बोन्स। हिप बोन्स कहाँ पर होते हैं, इसकी जो है ना स्ट्रक्चर किस तरह से है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हिप बोन्स की इंट्रोडक्शन से। ये जितने भी थ्योरेटिकल बातें हैं ना, हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपने क्या करना है, आपने एक डायग्राम को ज़रूर देखना है। मैंने यहाँ पे जो है ना 6 से लेकर 7 तक पिक्चर्स डाले हुए हैं, आप फिर उसको डिटेल से देख लें। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी जो है ना स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो अगर आप स्ट्रक्चर को देख लेना, तो मैं एक एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फिर आपको उसकी आसानी हो जाएगी। हम यहाँ से जो है ना स्टार्ट कर लेते हैं सैक्रम से। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया आपको देख रहा है, आप जो है ना इसको देख रहे हैं ना, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सैक्रम। क्लियर? ये वाला जो बोन है ना, इसको हम कहते हैं इलियक बोन। क्लियर? और जब सैक्रम और इलियक के दरमियान यहाँ पे एक जंक्शन जो है ना वो पैदा हो जाए, तो इसको हम कहते हैं इलियक सैक्रल जंक्शन। क्लियर? ये वाला अब यहाँ पे आ जाते हैं इस्टियम की तरफ। तो इस्टियम ये वाला अगर आप यहाँ पे ये एरिया देख रहे हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इस्टियम। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके नज़दीक अगर हम सैक्रम के पास देख ले, तो ये वाला स्मॉल सा जो है ना एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कोकैक्स कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे ये जो होल्स हैं। ठीक है, ये दो होल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन। क्लियर? अब इसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। ये सारी बातें याद रख लिया करो, क्योंकि हम इसको अब थ्योरेटिकली जो है ना डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देख ले, ये हमारे पास जो है ना, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या हो गया, ये बोन नंबर 1 हो गया और ये है हमारे पास बोन नंबर 2। तो अब इसकी कनेक्शन कौन बनाएगा, एक कनेक्शन यहाँ पे इसका बना हुआ है और वो कनेक्शन है यहाँ पे। मैं इसको साफ़ कर देता हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक जंक्शन है। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये जितने भी दो बोन्स हैं ना, ये वाला और ये वाला बोन को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। क्लियर है? अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस। ये जितने भी हमने ये वाले स्ट्रक्चर डिस्कस किए ना, तो ये थ्योरेटिकली हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपकी जहन में एक पिक्चर बनाना चाह रहा था कि आप पहले एक पिक्चर बनाएं और उसके बाद क्या करें, उसके बाद आप जो है ना उसकी डिटेल में डिस्कशन करें। अच्छा चलो, थ्योरेटिकल बातों की तरफ आते हैं कि हिप बोन्स क्या चीज़ है। तो अगर हम देख लें ना, हिप बोन असल में 2 in number होते हैं, एक है राइट की तरफ, दूसरा है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, हिप बोन्स आर्टिकुलेट पोस्टीरियरली विद द सैक्रम एट द सैक्रो इलियक जॉइंट एंड इंटीरियरली विद वन अनदर एट द सिम्फिसिस प्यूबिस। ये एक बेसिक बात है। ये क्या बता रहा है, ये मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा, फिर डायग्राम में बता दूंगा। हिप बोन क्या करेगा, आर्टिकुलेट करेगा, मतलब आर्टिकुलेशन का क्या है, एक कनेक्शन बनाएगा। क्लियर? कहाँ पे, पोस्टीरियरली। पोस्टीरियर का क्या मतलब है, बैक साइड पे, किसके साथ, सैक्रम के साथ। और ये कनेक्शन कहाँ पे होगा, उस जॉइंट को हम क्या कहेंगे, उस जॉइंट को हम कहेंगे सैक्रो इलियक जॉइंट। ये मैंने पहले आपको बता भी दिया। अच्छा, अगर हम इंटीरियर की बात कर लेते हैं, तो इंटीरियरली ये कहाँ पे कनेक्शन बनाएगा, विद वन अनदर एट द सिम्फिसिस प्यूबिस। ठीक है, सिम्फिसिस प्यूबिस की एरिया पे क्या करेगा, ये एक कनेक्शन बनाएगा। क्लियर हो गया? तो पोस्टीरियरली ये क्या कर रहा है, पोस्टीरियरली असल में ये एक और कनेक्शन बना रहा है और इंटीरियरली ये दूसरा कनेक्शन बना रहा है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ।
एक जॉइंट कहाँ पे बना हुआ है, एक यहाँ पे है इलियक सैक्रल जंक्शन, जो इलियक बोन और सैक्रम का जो बोन है इसके दरमियान बना है, तो इसको हम कहते हैं इलियक सैक्रल जंक्शन। और जो दूसरे की बात ये कर रहा था, तो ये बोन नंबर वन हो गया और बोन नंबर टू, तो ये यहाँ पे आकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आकर इसकी कनेक्शन बन रही है कहाँ पे, ये वाले एरिया पे। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्यूबिक सिम्फिसिस। मतलब इसका ये है कि इसके अंदर दो जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, एक है इलियोसैक्रल जंक्शन और दूसरा है प्यूबिक सिम्फिसिस जॉइंट। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं चिल्ड्रन की जानिब। सो ईच हिप बोन कंसिस्ट ऑफ द इलियम। मतलब एक चिल्ड्रन की हिप बोन में जो है ना क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर एक इलियम बोन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो सुपीरियरली प्रेजेंट होता है। क्लियर। एक होता है इस्चियम। क्लियर हो गया। एक हो गया इलियम, दूसरा हो गया इस्चियम, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो प्रेजेंट होगा पोस्टीरियरली एंड इन्फीरियरली। मतलब क्या है कि अगर इलियम है वो सुपीरियरली प्रेजेंट होगा, क्लियर, और जो इस्चियम है वो पोस्टीरियर भी होगा और उसके साथ साथ इन्फीरियर भी होगा। क्लियर। तो एक हो गया हमारे पास इलियम, दूसरा हो गया हमारे पास इस्चियम, और तीसरा है हमारे पास प्यूबिस। ये थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा है, प्यूबिस है, ये मैं आपको अभी डायग्राम में बता दूंगा, विच लाइज इंटीरियरली एंड इन्फीरियरली। क्लियर है, इंटीरियर भी होगा और इन्फीरियर भी होगा। अब ये तीन बातें याद रख लिया करो, इलियम है, इस्चियम है और प्यूबिस है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इलियम, इस्चियम और प्यूबिस क्या चीज़ है। तो अगर आपने ये वाला एरिया, अच्छा एक मिनट, ये वाला चीज़ जो है ना आप देख लें, ये वाला ये कलर का जितना भी यहाँ पे नज़र आ रहा है ना आपको, ये क्या है, ये इलियम है। ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये है इस्चियम, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या है, ये प्यूबिस है। तो अगर हम चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं ना, चिल्ड्रन की, तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है इलियम, दूसरा होता है इस्चियम, और तीसरा होता है प्यूबिस। तो ये इस तरह के जो इसका जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से बना हुआ होता है। क्लियर है ना। अब एडल्ट की तरफ आ जाते हैं कि जब प्यूबिटी हो जाती है, बलूगत हो जाती है, तो उसकी जो है ना फिर क्या होता है, एट प्यूबिटी These three bones fuse together to form one large irregular bone. जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है और आप बलूगत की जानिब चले जाते हैं, तो उसकी जो है ना फिर क्या होती है, ये जितने भी ये three bones हैं ना, ये जो हमारे पास इलियम हो गया, क्लियर है, इस्चियम हो गया, और ये प्यूबिस हो गया, ये आपस में क्या हो जाते हैं, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। क्लियर है। और जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो इससे एक वन लार्ज बोन बनता है, और वो बोन किस तरह का होता है, वो होता है इररेगुलर बोन। क्लियर हो गया। तो ये इसकी कुछ जो है ना इंट्रोडक्शन है। अब थोड़ी सी जो है ना इसकी पार्ट्स के जानिब चलते हैं। ये डायग्राम भी आपने देख लिया। अब ये वाला डायग्राम अगर आप देख ले तो ये वही ही डायग्राम है। ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर क्या है, ये सैक्रम है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम एसिटेबुलम कहते हैं, क्लियर है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम प्यूबिस कहते हैं, क्लियर है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास है इलियम, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये क्या चीज़ है, ये है इस्चियम, और ये बोन क्या है, ये वाला बोन, ये हमारे पास है फीमर। यहाँ पे ये जो जॉइंट बन रहा है ना इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हम जब जॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको मैं जो है ना इस पे क्लियर करा दूंगा कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या चीज़ होती है। अच्छा, ये इसकी जो है ना स्ट्रक्चर है। फिर उसमें जो है ना मसल्स भी दिखाए गए हैं कि कुछ जो है ना मसल्स होते हैं। अच्छा, इसमें एक और स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बताने वाला था। अगर आप यहाँ पे देख लेना, शियाटिक जो है ना, एक शियाटिक नर्व होता है, शियाटिक आर्टरी होती है। तो अगर आप यहाँ पे देख ले, ये वाला यहाँ पे, ये ग्रेटर शियाटिक नोच एक एरिया है जहाँ से ये शियाटिक जो है ना ये क्या होता है, ये पास आउट होता है। ये हमारे पास है ग्रेटर शियाटिक फोरमिन,
क्लियर है। और ये हमारे पास क्या हो गया, ग्रेटर शियाटिक नोच हो गया, ये वाला जो एरिया है इसको हम ग्रेटर शियाटिक नोच कहते हैं, क्लियर है। और ये वाला जो नज़र आ रहा है आपको, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेटर शियाटिक फोरामेन। और यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे होंगे, ये वाला, क्लियर है, इसको हम क्या कहते हैं, लेसर शियाटिक फोरामेन। मतलब ग्रेटर शियाटिक फोरामेन में एरिया ज़्यादा होती है और लेसर शियाटिक फोरामेन में क्या होती है, एरिया कम होती है, क्लियर हो गया। अब एक और बात, एस्चियल स्पाइन किसे कहते हैं, ये असल में जो है ना एक मेन एरिया है। एस्चियल स्पाइन असल में अगर आप देख लेना तो ये एस्चियल स्पाइन क्या करती है, ये एस्चियल स्पाइन ये ग्रेटर शियाटिक नोच और लेसर शियाटिक नोच को अलग करती है, क्लियर है। तो ये इसमें जो है ना आगे मैं आपको समझा दूंगा। ये हमारे पास वही पेल्विक गर्डल की जो है ना क्या है, डायग्राम है। अच्छा एक मिनट, मैं इसको इस तरह कर देता हूँ तो आसान हो जाएगा। अच्छा अब आ जाते हैं पार्ट्स की तरफ। तो ये सारे पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं लेकिन इसको हम जो है ना थॉरली डिस्कस करेंगे अभी। पार्ट्स में पहला पार्ट जो है ना ये है हमारे पास एसिटेबुलम। इट इज़ द डीप डिप्रेशन ऑन द आउटर सर्फिस ऑफ द हिप बोन एंड आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द फीमर। ये आपने याद रखना है कि वो जो हेड ऑफ फीमर है ना वो कहाँ पे कनेक्ट होगा, वो जब हिप बोन के साथ कनेक्ट होगा तो वो कौन सा एरिया होगा, एसिटेबुलम। मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से होता है। यहाँ पे अगर आप ये नहीं, एक मिनट, अच्छा हाँ यहाँ पे आप देख लो, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक मिनट, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं इस वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, एसिटेबुलम कहते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे असल में यहाँ से इस तरह का फीमर जो है ना बोन आके इसका जो हेड है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो आप यहाँ पे आप देख लें, ये एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, तो इसके जो पीछे वाला एरिया है, ये जो ये कलर है, तो ये क्या है, यहाँ पे हेड ऑफ द फीमर क्या करेगा, कनेक्ट करेगा विद दी हिप बोन। हिप बोन के साथ जब भी फीमर का जो हेड है वो कनेक्ट होगा तो वो कहाँ पे होगा, वो एसिटेबुलम में होगा। और एसिटेबुलम क्या चीज़ है, ये एक डिप्रेशन है, ठीक है ना, अंदर एक एरिया प्रेजेंट है जिसमें हेड ऑफ द बोन क्या होती है, हेड ऑफ द फीमर जो है ना वो आके कनेक्ट होती है, क्लियर हो गया। तो ये एक मेन पार्ट ऑफ द हिप बोन है। अब इसके बाद चले जाते हैं ग्रेटर शियाटिक नोच और लेसर शियाटिक नोच के बारे में। सो ग्रेटर शियाटिक नोच कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इट इज़ बिहाइंड द एसिटेबुलम। जो एसिटेबुलम है ना इसकी बिहाइंड प्रेजेंट होती है। एंड लेसर शियाटिक नोच क्या होती है, स्मॉलर नोच नियर ग्रेटर शियाटिक नोच। वो नोच जो स्मॉल होती है और किसकी नज़दीक प्रेजेंट होती है, ग्रेटर शियाटिक नोच की नज़दीक प्रेजेंट होती है। मैं इसको आप जो है ना दिखा देता हूँ आपको कि ये किस तरह से होता है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेना, ये इस वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, ये जो हेड यहाँ पे कनेक्ट होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिटेबुलम कहते हैं ना, क्लियर है। अगर हम इसके पीछे देख ले यहाँ या यहाँ से देख ले, तो इसके पीछे अगर हम पोस्टीरियरली देख ले तो एक फोरामेन ये है, ये हमारे पास क्या है, ये सारे नोच है ना, तो ये बिहाइंड दी एसिटेबुलम प्रेजेंट होते हैं। एक होता है ग्रेटर शियाटिक नोच और दूसरा है लेसर शियाटिक नोच, क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से जो है ना है बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा अब आ जाते हैं स्पाइन ऑफ द ईस्टियम के जानिब। सो स्पाइन ऑफ द ईस्टियम, ईस्टियल स्पाइन जिसे हम कहते हैं, सो इट सेपरेट्स द लेसर एंड द ग्रेटर शियाटिक नोच। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ईस्टियल स्पाइन क्या करेगा, ये आपको नज़र आ रहा हो ना, ये ईस्टियल स्पाइन है ना, तो ये क्या करता है, ये ग्रेटर और लेसर को क्या करेगा, ये इसको जो है ना इस सेपरेट करेगा, इसकी सेपरेशन करेगा, क्लियर है। तो ईस्टियल स्पाइन का काम क्या है कि ये ग्रेटर शियाटिक नोच और लेसर शियाटिक नोच को जो है ना क्या करे, सेपरेट करे। अच्छा अब इसके बाद आ जाते हैं इलियम की जानिब। सो इलियम क्या चीज़ है, इलियम विच इज़ द अपर फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द हिप बोन पोजिस द इलियक क्रेस्ट रन्स बिटवीन द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्रोजेक्ट अपवर्ड। ये यहाँ पे इलियक क्रेस्ट की बात हो रही है, तो अगर हम देख लेना
ये हम इसको क्या कहते हैं, ये वाला जो बोन है ना, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, नहीं ये नहीं, अच्छा हाँ ये वाला, हाँ यहाँ पे आप देख लो, इसको हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पे क्या है, ये फ्लैट है ना, और इसमें इस तरह के क्रिस्ट प्रेजेंट होते हैं। ये वाला एरिया थोड़ा सा अंदर जो है ना चला जाता है, और ये जो साइड्स हैं ना, ये इस तरह से जो है ना, इसकी जो है ना क्या होती है, ये उभरे हुए होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देख ले, ये सेंटर वाला एरिया है, तो ये एक डिप्रेस टाइप है, ठीक है। और अगर हम साइड्स पे देख ले, तो ये प्रोमिनेंट है, क्लियर। और तीसरी बात यहाँ पे क्या है कि ये बोन हमारे पास क्या है, फ्लैट, क्लियर हो गया। ये आपको अभी बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने इस तरह जो है ना डायग्राम में डिस्कस किया, तो फिर बिल्कुल ही आसान हो जाता है। अच्छा अब आ जाते हैं एसटीएम की जानिब। तो एसटीएम क्या चीज़ है, इट इज़ द इन्फीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन एंड पोजिसज एसटीएल स्पाइन एंड एसटीएल ट्यूबरोसिटी। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, लेकिन आखिर में इसको हम डायग्राम में देख लेंगे कि एसटीएम क्या चीज़ है। प्यूबिस क्या चीज़ होती है, इट इज़ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन एंड हैज़ अ बॉडी एंड अ सुपीरियर एंड इन्फ्यूबिक प्यूबिक रामी, क्लियर है। सो द बॉडी ऑफ द प्यूबिस बेयर्स द pubic crest and the pubic tubercle and articulate with the pubic bone of the opposite side at the symphysis pubis। ये वही symphysis pubis की बात हो रही है कि ये जो pubis वाला area है, इसका जो interior part है, ये क्या करेगा, इसमें tuberculars और crests present होते हैं, और वो क्या करती हैं, वो असल में ये जो right side of the bone है, वो left side of the bone के साथ क्या करती हैं, connect करती हैं, क्लियर है ना। तो ये असल में वही प्यूबिस की बात हो रही है, वही एसटीएम की बात हो रही है। अच्छा इसके बाद जो है ना, ये हमारे पास डायग्राम है, तो इसको जो है ना आप देख लें, इसमें जो है ना, ये हमारे पास एसटीएल ट्यूबरोसिटी हो गई, क्लियर है। ये हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस हो गया, यह हमारे पास ये वाला जो एरिया, ये वाला जो एरिया आपको यहाँ पे, ये यहाँ से आपको अगर नज़र आ रहा हो, तो ये यहाँ पे इस तरह मुड़ा हुआ होता है, तो ये क्या है, ये इसको हम प्यूबिक ट्यूबरकल कहते हैं, क्लियर है ना। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, एसटीएम कहते हैं, सही है। तो ये हिप बोन का कुछ स्ट्रक्चर है। अब इसकी लास्ट वाली जो है ना, एक पार्ट रह गई है, जिसका नाम है ऑब्टूरेटर फोरामेन, क्लियर है। तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा ऑब्टूरेटर फोरामेन क्या चीज़ है, सो इट इज़ अ लार्ज ओपनिंग इन द लोअर पार्ट ऑफ द हिप बोन। लोअर पार्ट ऑफ द हिप बोन में क्या है, एक लार्ज ओपनिंग है, विच इज़ बाउंडेड बाय द पार्ट्स ऑफ द एसटीएम एंड प्यूबिस। मतलब क्या है कि इसके इर्द गिर्द जो है ना, किसके पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एसटीएम और दूसरा क्या चीज़ है, प्यूबिस के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। द ऑब्टूरेटर फोरामेन इज फिल्ड इन बाय द ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन। मतलब ये ऑब्टूरेटर फोरामेन जो प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या होता है, ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन होता है। तो अगर हम इसकी पार्ट्स की बात करें ना, तो अगर हम देख ले यहाँ पे, ये वाले डायग्राम अगर हम देख ले ना, तो इसमें क्या है, एक है हमारे पास ये एसटीएम के पार्ट्स इर्द गिर्द इसके प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम यहाँ पे प्यूबिस को देख ले, और यहाँ पे प्यूबिस जंक्शन होता है, लेकिन इसको जो है ना क्या किया गया है, इसको जो है ना सेपरेट कर दिया गया है। तो अगर हम देख ले, तो इसके इर्द गिर्द क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, एक तो प्यूबिस वाला प्रेजेंट है, और दूसरा जो है ना एसटीएम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द हिप बोन जो है ना, वो अख्ताम को पहुँचती है। इसके बाद जो है ना, हम फीमर को डिस्कस करेंगे, जो एक लॉन्ग टॉपिक है, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना डिटेल है और स्ट्रक्चर्स है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम फीमर को डिस्कस करेंगे। आपने अभी क्या करना है, आपने जो है ना सिंपली यूट्यूब में सर्च करना है कि 3D वीडियो एनिमेशन ऑफ हिप बोन्स। हिप बोन्स के बारे में आपने क्या करना है, हिप बोन्स के बारे में आपने 3D वीडियो देखनी है, कि आपको समझ आ जाए कि वो क्या करते हैं। वो 3D वीडियो में वो इस तरह से जो है ना, इसको जो है ना सेपरेट कर देते हैं, और फिर उसको कनेक्ट कर देते हैं, तो आपको क्लियरली इसमें समझ आ जाएगा कि ये हिप बोन्स किस तरह से होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्या करें, 3D वीडियोज़ ऑफ द हिप बोन्स ज़रूर देखें। हर टॉपिक्स के बाद आप 3D वीडियोज़ ज़रूर देखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो फीमर का टॉपिक है, वही अपेंडिकुलर स्केलेटन को जो है ना कंटिन्यू करेंगे, और एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।